आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में थोड़ा तो पढ़ा होगा, परिभाषा पढ़ी होगी उसकी कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। साधारण सी भाषा यह है कि जैसे मेरा नाम, तुम्हारा नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, खाने का नाम, कोई भी चीज, खिलौना, खाना, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति है, मान लीजिए राम। वस्तु मेज, स्थान आगरा, और जो मन का भाव प्रकट होता है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, जैसे के भाव हो गया हमारा कि वह पढ़ रहा है, लिख रहा है या महसूस कर रहा है, कि रो रहा है, चिल्ला रहा है, रोना, चिल्ला, रोना, हंसना, ये हमारे भाव होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी संज्ञा हमारे, जैसे हमने परिभाषा में लिखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा, यानी कोई भी नाम, हमारे खेलने से संबंधित, हमारे जाने से संबंधित, हमारा खिलौना, हमारी मेज, कुर्सी, हमारी अलमारी, ये सब जो है संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो इसमें राम क्या हो गया? संज्ञा हो गई। मेज के नीचे गेंद है, इसमें संज्ञा क्या हुई? मेज हुई और गेंद हुई। मैं कल आगरा जाऊंगा, स्थान क्या है, कहाँ जाएगा वो? आगरा जाएगा, यानी आगरा या दिल्ली या मथुरा, कहीं भी जाएगा, जाना, यानी जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कोलकाता, कुछ भी, कोई से भी जगह का नाम, वो सब हो गए संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है लता मंगेशकर, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। अमिताभ बच्चन, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इंसान है, तो वो व्यक्ति हो गया संज्ञा। एक जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, चार मीनार, ताजमहल, ये क्या है? संज्ञा। यानी किसी ऐतिहासिक चीजों के नाम हो गए, इमारतों के नाम हो गए, वो हो गए संज्ञा। जैसे दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, ये जगह के नाम है, ये हो गए हमारे संज्ञा। और ऐसे ही भाव कि बच्चा रो रहा है, बच्चा हंस रहा है, तो बच्चा संज्ञा हो गई, और उसका क्या भाव है? रोने का भाव है, हंसने का भाव है, वे हमारे भाव हो गए। तो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है पता है? नहीं, संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा तीन प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा तीन प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। आज की विषय, आज का विषय संज्ञा जो है उसमें इतना ही वर्णन आपकी कक्षा में दिया गया है। यूं तो बहुत विस्तृत रूप है, वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन आपकी जो सेकंड क्लास में इतना ही है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। विस्तृत रूप बहुत बड़ा है क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया जाता है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया जाता है और भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया जाता है कि ये क्या क्या होती है। लेकिन जब आप अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क हमारा रहेगा, आप संज्ञा की परिभाषा याद करेंगे और अपनी कॉपी पे नोटबुक में लिखेंगे। समझ में आ गया क्या के संज्ञा की प्रश्न? संज्ञा की परिभाषा लिखो। प्रश्न नंबर दो, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अच्छा बच्चों, समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? एक बात, जितने भी हमारे नाम हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, शहरों के नाम, जगहों के नाम और नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, किताबों के नाम, जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वो सब संज्ञा होते हैं। जैसे हमारी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके नाम है, वो सब संज्ञा है। दिनों के नाम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये संज्ञा है। और पर इनके रूप भी अलग अलग है, वो हम डिटेल में तो आपको मैंने जैसे कहा पहले भी कि अगली कक्षा में बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से नाम आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से नाम आते हैं और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से नाम आते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कि जितने भी नाम हैं वो सारे संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी, आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।